दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और मौर्य साम्राज्य हिंदुस्तान में किस प्रकार से और कैसे रहा, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में निश्चित तौर पर आपके साथ में लेकर आए हैं। और पिछले वीडियो में अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, क्योंकि इतिहास एक क्रमबद्ध ही होना चाहिए, तभी आपको समझ में आता है। इसलिए क्रमबद्ध के तौर पर आप इतिहास को देखिएगा। एक बार मौर्य साम्राज्य जो आपको बोर्ड की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान से एक बार सरसरी नजर से निगाह से देख लीजिए, क्योंकि बिना आप किसी वंश वृक्ष को जाने आप नहीं समझ पाओगे कि वह साम्राज्य कैसा रहा। दूसरी बात, यहां पर इस बोर्ड को पहले से प्रिपेयर करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि ज्यादा समय हमारा नष्ट ना हो। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो मोटे तौर पर समय है वह 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। हालांकि पिछले वीडियो में कुछ तकनीकी खामी की वजह से, अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस आती हैं, तो उस वजह से, कुछ तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा सा वीडियो में आगे नहीं बढ़ा पाया था। कोई बात नहीं, उस वीडियो के साथ में इस वीडियो को मैं लिंक जरूर करूंगा ताकि आपको एक क्रमबद्ध इतिहास मिले। फिलहाल मौर्य साम्राज्य के वंश वृक्ष पर अपनी एक सरसरी नजर डाल दीजिए। मौर्य साम्राज्य का जो मोटे तौर पर समय है वह 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के मध्य है। मौर्य साम्राज्य के वंश वृक्ष को मैंने बनाया है क्योंकि आप किसी भी चीज को, इतिहास स्पेशली एक तरह का विजुअल सब्जेक्ट है जिसको आपके सामने एक कहानी के रूप में चलाना चाहिए, वही सबसे एक अच्छा तरीका और विधा है। हालांकि जैसे फिल्म शुरू होती है तो पहले नंबर पढ़ते हैं, आपको भी पता होगा, तो आपको पता तो होना चाहिए कि जिस फिल्म को हम देखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से करेक्टर काम कर रहे हैं। तो एक बार मैंने आपको करेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया है। मौर्य साम्राज्य के वंश वृक्ष में सबसे पहले मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी दो पत्नियां थी जो मैंने रेड कलर में लिख रखा है। रेड कलर में जो भी लिखा है वो सारी पत्नियां हैं सम्राटों की, और जो ब्लू कलर में जो मैंने मेंशन किया है नंबर वाइज वो सारे मौर्य सम्राट बने हैं, और जो ब्लैक कलर में किया है वो संतानें हैं जिनका इतिहास में कुछ हद तक रोल तो है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनका मौर्य साम्राज्य में कोई सम्राट के तौर पर विशेष वो नहीं जाने जाते हैं। तो सबसे पहले सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य। उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था पटरानी का नाम था दूरधरा, और दूसरी पत्नी का नाम था हेलेना या कॉर्नेलिया। यह हेलेना और कॉर्नेलिया कुछ हद तक आपने पढ़ा होगा। यह हेलेना या कॉर्नेलिया जो है वह आपके ये सेल्यूकस निकेटर, उसकी पुत्री थी। हम सारी डिटेल पे चर्चा करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। हालांकि एक बार आप इस पर नजर दौड़ा लें, उस फ्रेम को अपने माइंड के अंदर रखें। दूरधरा से जो संतान हुई थी उसका नाम था बिंदुसार, जो नेक्स्ट दूसरे मौर्य सम्राट बने थे। बिंदुसार की पत्नी का नाम था सुभद्रांगी। सुभद्रांगी से पुत्र हुआ था अशोकवर्धन, यानी अशोकवर्धन की मां का नाम था सुभद्रांगी। अशोकवर्धन की तीन पत्नियां थी, वैदिस महादेवी, तिश्यरक्षिता और कारुवाकी। वैदिस महादेवी के तीन संतानें हुई थी, महेंद्र और संघमित्रा। नाम आपने काफी सुना होगा, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारक के तौर पर गए थे। और तीसरे थे मोगली पुत्र तिस, जिसे कहते हैं तिस भी कह सकते हैं। कहते हैं कि ये वही तिस हैं जिसने तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जो अशोक वर्धन के समय लगभग 252 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। और इसी संगीति के अंदर अभिदम्ब पिटक की रचना हुई थी। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में इस संगीति का आयोजन हुआ था। हालांकि संगीति वाला टॉपिक हमें अलग से लेना चाहिए, और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप अगर कहें और कमेंट में अगर मुझे लिखें तो मैं इस संगीतियों के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और संगीतियों से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में सवाल पुटअप होता ही होता है। दूसरी पत्नी का नाम था तिश्यरक्षिता, जिससे दो पुत्र हुए थे कुणाल और दशरथ, जो नेक्स्ट मौर्य सम्राट भी बने थे। अशोक के तुरंत बाद में कुणाल सम्राट बने थे और कुणाल के बाद में दशरथ सम्राट बने थे। कारुवाकी के भी एक पुत्र हुआ था जो मैं मेंशन करना भूल गया। कारुवाकी के एक पुत्र का नाम था तीवर, हालांकि वो मौर्य सम्राट नहीं बना था। यह कलिंग की राजकुमारी थी, और कलिंग में अशोक के खिलाफ इसने युद्ध भी लड़ा था कारुवाकी ने।
और उसके बाद में दशरथ का पुत्र हुआ था संप्रति, जो नेक्स्ट मौर्य सम्राट बना, और संप्रति का पुत्र था शालीशुक, और शालीशुक का पुत्र था देवधर्मन, और देवधर्मन के बाद में नेक्स्ट सम्राट बना मौर्य सम्राट बृहद्रथ द्वितीय, जो अंतिम मौर्य सम्राट था, जो 184 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। हालांकि हम पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में। तो आपने एक बार इस बोर्ड को देख लिया होगा ध्यान से। अब हम पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी उसी चर्चा को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपसे कि जब भारत का सम्राट धनानंद था, धनानंद, चलिए देख लेते हैं कि धनानंद के बाद में हिंदुस्तान में क्या हुआ। मगध सम्राट धनानंद, देखिए धनानंद का साम्राज्य कैसा था, कहां था, हम अभी तक उसके बारे में आइडेंटिफाई विशेष तौर से नहीं कर सकते कि कहां कहां उनका साम्राज्य फैला हुआ था, लेकिन अंतिम नंदवंशी सम्राट या मगध सम्राट धनानंद था। धनानंद जब मगध सम्राट था, धनानंद उसे क्यों कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, उसको जनता का खून चूस चूस कर धन एकत्रित करने का बड़ा शौक था, इसलिए मगध साम्राज्य की जनता उसे धनानंद कहती थी। धन में उसे आनंद मिलता था इसलिए वह धनानंद कहलाता था। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि उधर मैसिडोनिया में, मैसिडोनिया पिछले वीडियो को देखिएगा, मैसिडोनिया जिसे वर्तमान में ग्रीस वाला इलाका कहा जाता है, यूनान कहते हैं हिंदी में, जिसकी राजधानी है एथेंस, यूनान का एक पागल व्यक्ति, जी हां मैं पागल ही कहूंगा, क्योंकि वो दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था और उसने लाखों करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया था अपने दुनिया जीतने के नशे को पूरा करने के लिए, और उस व्यक्ति का नाम था सिकंदर, जिसे वहां की भाषा में अलेक्जेंडर कहा जाता है। अलेक्जेंडर या सिकंदर दुनिया जीतने का इरादा लिए अपने मैसिडोन से, मैसिडोनिया से, यूनान से निकला, और यूनान से उसने मिस्र, फारस इत्यादि देशों पर अधिकार करते हुए वह आक्रमण करता करता भारत तक आ पहुंचा था। और भारत तक जब आया तो वह सिंधु नदी तक पहुंचकर वापस लौट गया था, ऐसा भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है। सिकंदर भारत आया था लगभग 325 ईसा पूर्व के आसपास, सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गया था सिकंदर। ठीक है, इससे पहले सिकंदर ने सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच, सिंधु और झेलम के बीच में एक युद्ध लड़ा था जो कि पौरव वंश के सम्राट। तो अभी अभी मैंने कहा कि झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच में एक साम्राज्य था, पौरव साम्राज्य, याद कीजिए मेरे पिछले वीडियो को। पौरव साम्राज्य का के सम्राट थे पुरु, जिन्हें हिंदुस्तानी लैंग्वेज में पुरुषोत्तम कहा जाता है, महाराज पुरुषोत्तम, लेकिन यूनानी लोग, अलेक्जेंडर के लोग, अलेक्जेंडर के लेखक इन्हें पोरस कहते हैं। यहां पर हमारा वीडियो आकर थोड़ा तकनीकी कारणों से रुक गया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि इस बात को मैं मौर्य साम्राज्य में समझा दूंगा। जब पोरस सम्राट थे हिंदुस्तान के, सॉरी पौरव साम्राज्य के, जो कि सिंधु और झेलम नदी के मध्य पड़ता था, तब पोरस और सिकंदर के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था झेलम नदी का युद्ध। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पस कहा जाता है। हाइडेस्पस नदी का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच में। देखिए भारत पर 190 साल तक ब्रिटिश शासन रहा और ब्रिटिश लोगों ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से भारतीय इतिहास को लिखवाया और लिखा भी, और अब तक उस इतिहास में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि इस युद्ध में सिकंदर जीता था और पोरस हारा था।
यानी हमारे सम्राट जो पोरस हैं वह हार गए थे और सिकंदर जीत गया था। चलो मान ले कि पोरस हार गए थे इस युद्ध में, सिकंदर जीत गए थे, तो भैया मुझे एक बात बताइए, सिकंदर को पोरस से संधि क्यों करनी पड़ी? जीतने वाला संधि करता है या हारने वाला संधि करता है? कॉमन सेंस की बात है। और पोरस को अपना मित्र भी बनाया था। चलो मान ले कि पोरस हारा, तो मुझे एक बात बताइए, सिकंदर सिंधु नदी पार करके क्यों नहीं हिंदुस्तान आया? सिकंदर का इतिहास यूनानी लेखक बताते हैं कि सिकंदर की सेना थकी हुई थी, इसलिए सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गई थी। सिकंदर की सेना सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गई थी, हवाला यह दिया गया कि उसकी सेना थकी हुई थी। तो भैया इंडिया में आते ही थक गई सेना, जब वो 21 साल से अपने मैसिडोनिया से यहां तक आया तब तक उसकी सेना नहीं थकी और इंडिया आते ही थक गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि पोरस ने झेलम के आसपास उसे बहुत बुरी तरह से कूटा था, अब उसे डर था कि और आगे बढ़ा तो यहां मेरी हालत खराब हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अपने इतिहास को सुधारना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास के साथ में कितनी बड़ी बड़ी चोटें हुई हैं और ये एग्जाम के मैटर भी हैं, आपको कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। देखिए सिकंदर सिंधु नदी तक आया, वापस लौट गया क्योंकि बताया गया है कि उसकी सेना थकी हुई थी और उसने झेलम नदी के युद्ध में पोरस को, हमारे सम्राट को, पूर्व वंश के सम्राट पुरुषोत्तम को हरा दिया था। अब मैं आपको वास्तविकता ही बता देता हूं। देखिए उस जमाने में 325 ईसा पूर्व के आसपास, यानी मान के चलिए 2020 में, जो वर्तमान 2020 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 2020 में 325 ईसा पूर्व ऐड कर लीजिए, यानी आज से लगभग 325 इसमें ऐड करते हैं तो 2340 साल के आसपास, यानी लगभग 2300 साल पहले सिकंदर भारत आया था। और सिकंदर जब भारत आया था उस जमाने में, आज से 2300 साल पहले, उस समय सबसे बड़ा एक हथियार हिंदुस्तान के पास में था और वो हथियार था हाथी। और आपको पता होगा कि हाथी जो है वह पूर्वी एशिया की पैदाइश है, पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। पश्चिमी एशिया के निवासियों को, यानी यूनानियों को, फारसियों को हाथियों के बारे में कोई नॉलेज तक नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि हाथी भी एक जानवर होता है। वो तो ये सोचते थे कि एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो आगे से पीछे से एक जैसा दिखता है। यस, यूनानी सैनिकों की हाथियों के बारे में एक थ्योरी थी कि एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो आगे से पीछे से एक जैसा दिखता है, पता नहीं किस ओर से खाता है, तो लड़ना तो दूर की बात। सच्चाई यह है कि पोरस ने झेलम नदी के युद्ध में अपनी हाथी सेना की वजह से सिकंदर को बुरी तरह से पानी पिलाया था, बहुत बुरा मारा था, इसलिए सिकंदर को संधि करनी पड़ी। चलो मान भी ले, जो वर्तमान भारत के इतिहास में लिखा हुआ है कि सिकंदर ने पोरस को हराया था झेलम नदी के युद्ध में, तो मुझे बताइए सिकंदर सिंधु नदी के आगे क्यों नहीं बढ़ा? कहीं ना कहीं उसको डर था, और बाय गॉड अगर वह सिंधु नदी पार करता तो सिंधु पार वाला इस तरफ का राजा उसकी चटनी बना देता, क्योंकि उसके पास में 1.5 लाख हाथी सेना थी। और इधर इस पार वाला राजा कौन था पता है आपको? और इस पार वाला राजा था धनानंद, पाटलिपुत्र का सम्राट धनानंद, मगध सम्राट। इसलिए सिकंदर आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पोरस ने वहां झेलम नदी में उसकी बोनी कर दी थी, और यहां से वह वापस अपने देश लौट गया। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इस मैटर को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सिकंदर तो अपने देश की ओर वापस लौट गया, सिंधु नदी पार नहीं की, वह भारत नहीं आया। अब एक मुद्दा और है, कितना झूठा है ब्रिटिश कालीन इतिहास जो भारत में जबरदस्ती थोपा गया। देखिए विश्व विजेता की थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, जो आप जिस धरती को जानते हैं उस धरती को अगर जीत ले तो आप विश्व विजेता हैं।
तो यूनानी लोग भारत तक सारा जानकारी रखते थे। ये तो दुनिया गवाह है कि सिकंदर ने सिंधु नदी पार नहीं की, यानी उसने भारत को नहीं जीता, तो सिकंदर विश्व विजेता कैसे हो गया? आई एम नॉट एक्सेप्टेड, मैं नहीं करता स्वीकार कि सिकंदर विश्व विजेता था। फालतू का ग्रेट लगा लिया। अरे सिकंदर से बड़े बड़े सम्राट थे हिंदुस्तान में, चंद्रगुप्त मौर्य उससे कई गुना बड़े सम्राट थे, उनका साम्राज्य सिकंदर की बराबरी नहीं कर सकता। चलो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ना मानो, लेकिन समुद्रगुप्त के साम्राज्य के सामने सिकंदर कुछ भी नहीं अड़ता। अरे चलो वो ना मानो, चंगेज खान का साम्राज्य कितना बड़ा था, पूरे यूरोप और एशिया पर था, और उसका सिकंदर का साम्राज्य उसके 10% भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति पर इन गोरी सरकार ने, 190 साल की सरकार ने बड़ा कुठाराघात किया है, और हमेशा पढ़ाते समय ये चीजें मुझे काफी दुख भी देती है। खैर हमारा विवाद ये नहीं है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल ये है कि हमें गोला कैसे राइट करना है, ये भी नहीं बोलना चाहिए हमें। तो सिकंदर वापस लौट गया अपने देश की ओर, ये बात कर रहा था मैं। सिकंदर वापस लौट गया, सिकंदर के दो सेनापति थे, निकेटर्स थे सिकंदर के। एक सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस, नाम सुना होगा आपने, सेल्यूकस निकेटर, और दूसरे का नाम था एंटीओकस। दो सेनापति थे सिकंदर के, सेल्यूकस और एंटीओकस। सिकंदर अपने देश वापस यूनान लौट रहा था, मैसिडोन लौट रहा था, रास्ते में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले सिकंदर ने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, सिकंदर अपने देश यूनान वापस लौट रहा था, मरने से पहले, आधे रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी, मरने से पहले उसने अपने पुत्र तुल्य दोनों सेनापतियों को अपना जीता हुआ साम्राज्य आधा आधा बराबर बांट लिया, ठीक है, और सेल्यूकस को दिया ये वाला इलाका जिसमें आधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक का इलाका, फारस तक का इलाका, और एंटीओकस को दिया मिस्र और यूनान वाला इलाका। अब मुझे बताइए धनानंद का अब पड़ोसी कौन हुआ? सेल्यूकस। अब ऐसी कंडीशन में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर पाटलिपुत्र के सम्राट बनते हैं तो सेल्यूकस पड़ोसी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, क्लियर? चलिए अब मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करने से पहले एक मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो आपने लगभग पढ़ी भी होगी, और नहीं पढ़ी होती हो तो सुन लीजिए। देखिए जब मगध सम्राट धनानंद था, भारत का एक बहुत बड़ा सम्राट था धनानंद, ठीक है, उस समय सिकंदर सिंधु नदी तक आया था भारत पर हमला करने के लिए। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य, उस आचार्य ने भारत भूमि पर किसी विदेशी आक्रमण का डर देखकर वह भारत के सबसे बड़े सम्राट धनानंद के पास पहुंचा। तक्षशिला विश्वविद्यालय के उस आचार्य ने सम्राट धनानंद से सहायता मांगी कि वह भारत भूमि की रक्षा करे, क्योंकि वही इसी समय सबसे बड़े सम्राट है, और नो डाउट उस समय भारत के सबसे बड़े सम्राट थे धनानंद। तो धनानंद का दायित्व तो बनता है कि वह अखंड भारत की रक्षा करें। तो जब वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य धनानंद के दरबार में पहुंचे, तो धनानंद ने उनकी शिखा पकड़कर, उनकी चोटी पकड़कर उनका अपमान किया और लात मारकर अपने पाटलिपुत्र के महल से निकाल दिया। उस आचार्य ने, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य ने चोटी को गांठ लगाकर, अपनी शिखा का अपमान समझकर धनानंद को भरे दरबार में चेतावनी दी कि इस समय तू ही भारत का सबसे बड़ा सम्राट है और तेरा दायित्व बनता है कि किसी विदेशी आक्रमण से भारत की रक्षा करें, क्योंकि उस समय सिकंदर झेलम नदी का युद्ध लड़ रहा था पोरस से, और उस आचार्य को पूरा डर था कि सिकंदर भारत की तरफ आएगा।
और इस समय दायित्व धनानंद का बनता है भारत की रक्षा करने का। तो उस आचार्य ने अपना अपमान देखकर धनानंद को चेतावनी दी कि तुझे इस सिंहासन से उठाकर किसी योग्य सम्राट को बिठाऊंगा, मिट्टी से एक सम्राट पैदा करूंगा इस भारत भूमि की मिट्टी से। और वो अपने तक्षशिला की ओर वापस निकल पड़े वो आचार्य। वो तो अच्छा हो किस्मत भारत की कि सिकंदर ने सिंधु नदी पार नहीं की। अभी अभी मैंने बताया आपको, सिकंदर ने सिंधु पार नहीं की, वह वापस लौट गया, यानी सिकंदर के आक्रमण का खतरा टल गया। लेकिन क्या सिकंदर के बाद में सेल्यूकस भारत पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेगा? यानी खतरा तो बरकरार है हिंदुस्तान पर आक्रमण का। इसलिए वो आचार्य चाहते थे कि कोई योग्य सम्राट बिना धन का लालची इस सम्राट की गद्दी के योग्य बने। जब आचार्य वापस तक्षशिला की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने एक रास्ते में एक बच्चा देखा जो खेल खेल रहा था, राजकीलम नाम का खेल, राजकीलम खेल। और वो खेल, जब वो खेल रहे थे तब उस बच्चे को देखा। और राजकीलम एक तरह का खेल ये होता है जिसमें एक बच्चा छोटे छोटे बच्चों को सामने बिठाकर उनके साथ में न्याय का खेल खेलता है। तो वो न्याय का खेल खेल रहा था वो बच्चा, उसकी बुद्धि की प्रखरता को देखा उस आचार्य ने और उस बच्चे से अपना परिचय देने को कहा। उस बच्चे ने कहा कि मैं अनाथ हूं, एक दास हूं। तो उसके मालिक से 1000 कारशापण यानी 1000 कारशापण यानी सोने के सिक्के देकर उसके मालिक से उस बच्चे को खरीदा और तक्षशिला लेके गया। और तक्षशिला में लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया। और बड़ा करने के बाद में भाड़े की सेना यानी युद्धोपजीवी जाति, जो गुंडे की सेना है जो पैसे लेकर किसी का भी मर्डर कर दे, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, बाद में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो भाड़े के सैनिक इकट्ठा करके उस बच्चे और उस आचार्य ने मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया। और हमला करके, हालांकि पहले हमले में तो सफल नहीं हो पाए थे, कहानी तो काफी लंबी है लेकिन यहां कहानी सुनाने का वक्त नहीं हमारे पास में। 323 ईसा पूर्व में उस बच्चे ने इस मगध सम्राट धनानंद को भाड़े की सेना की सहायता से मार दिया। और उस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उस आचार्य का नाम था आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य कहते हैं, नाम तो सुना होगा। यानी इस तरह से भारत में सम्राट बन गए चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पड़ोसी कौन हुए? सेल्यूकस। तो भारत के सम्राट बन चुके हैं 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, किसके पुत्र थे, यह इतिहास में एक विवाद का विषय है। भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद प्रश्न है मौर्य कौन थे। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में अब तक विवाद बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का समय है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको विसेंट एडम स्मिथ ने, वीए स्मिथ ने भारत का पहला सम्राट कहा है, भारत का प्रथम सम्राट। मुझे ऐसे इतिहासकारों पर गुस्सा आता है। खैर, फिलहाल आप इतना शोध नहीं कर रहे हैं इतिहास में, इसलिए आपको इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास के साथ में गहरी चोट की है ब्रिटिश सरकार ने। हर चीज में देखिएगा इन्हीं के कोटेशन है। साबित कैसा कर रहे हैं, भारत के पहले सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कहीं ना कहीं इनको भी सिकंदर के बाद रखा गया। क्या इससे पहले भारत में सम्राट नहीं हुए थे? अजात शत्रु हुए थे, धनानंद हुए थे, अभी अभी चर्चा कर रहे हैं हम, बहुत सारे सम्राट हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर उन इतिहास को इन्होंने जानबूझकर दबाया या खत्म कर दिया या छिपा के रखा, और कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री एंड ब्रिटिश सोसाइटी को सबसे पहले नंबर पर रखा और उसके बाद में हिंदुस्तान की। खैर,
तो अगर सवाल आ जाए कि भारत का पहला सम्राट किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो आपका आंसर होगा विंसेंट एडम स्मिथ, वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले क्या किया, 323 ईसा पूर्व में धनानंद को मारा, ठीक है, 323 ईसा पूर्व में धनानंद को मारा। एक तो यह युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास के पास में मौजूद है, और दूसरा युद्ध है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया। ठीक है, ये दो ही युद्ध हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहास में लिखित। हालांकि युद्ध तो बहुत होंगे लेकिन इतिहास की पुस्तकों में वर्णित नहीं है। हवाला ये दिया जाता है कि प्रमाण नहीं मिले। अब आप अगर मेरा वीडियो ध्यान से और दिल से सुन रहे थे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रमाण मिले नहीं या कुछ और गड़बड़ है। खैर, हमें अब लंबा उस मैटर को नहीं खींचना है। थोड़ा सा मैं क्या है, थोड़ा राष्ट्रवादी हूं, तो इस कारण से थोड़ा सा मेरा दिल कभी कभार थोड़ा डगमगा जाता है, इसलिए ऐसी बातें मैं छेड़ देता हूं, और कभी कभार थोड़ा भूल भी जाता हूं कि मैं यहां पर कंपटीशन के लिहाज से वीडियो बना रहा हूं। लेकिन थोड़ा लगता है ना दिल पे, जब अपने परिवार पर कोई गलत लांछन लगाता है या फिर परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान हमारा परिवार है, और नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो दुख तो होता है। खैर, धनानंद को मारा और सेल्यूकस को हराया, ये दो ही युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में वर्णित हैं। धनानंद को मारा कुछ देर पहले मैंने स्टोरी में बता दिया था, ठीक है। भाड़े की सेना युद्धोपजीवी जाति कहते हैं, युद्धोपजीवी जाति की सहायता से, युद्धोपजीवी जाति मतलब युद्ध पर जीने वाली जाति, जो पैसे लेकर किसी का भी मर्डर कर दे, गुंडे कह सकते हैं आज के तारीख में, भाड़े की सेना, उसकी सहायता से धनानंद को मारा 323 ईसा पूर्व में। और दूसरा मैटर है कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया और सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी, यानी कहीं ना कहीं संधि वही करता है जो हारता है, पोरस वाली बात देख लो। सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी, मैं प्रमाण भी दूंगा कि ये बातें कहां लिखी हुई हैं। सेल्यूकस को संधि करनी पड़ी और संधि करके सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, जो कुछ देर पहले टॉपिक के स्टार्ट में मैंने लिखा था, पूरे डायग्राम में वंशवृक्ष बनाया था, तब हेलेना जिसको कॉर्नेलिया भी कहते हैं, कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, इंटर रिलीजन मैरिज है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरिज कह सकते हैं, जिसका लिखित प्रमाण है। और साथ ही साथ एक दूत मेगस्थनीज भारत भेजा, इसी मेगस्थनीज की एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसी इंडिका पुस्तक के अंदर यह बात लिखी हुई है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व का। उस युद्ध का नाम भी है सिंधु नदी का युद्ध। सिंधु नदी का युद्ध हुआ था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और इस युद्ध में सेल्यूकस ने हार मानी और हार मानकर संधि की, और संधि करने के बाद में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवाया और मेगस्थनीज को दूत बनाकर मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में भेजा। लगभग 19 साल तक मेगस्थनीज पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी में रहा। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। खैर, हम डिटेल पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि
आपके इतना बारीकी से नहीं पूछा जाएगा। हालांकि संधि के तहत बहुत कुछ चीजें हुई थी, कुछ प्रदेश दहेज में भी दिए गए थे, लेकिन फिलहाल आपके इतना मैटर काम नहीं आएगा। इतना भी एग्जामिनेशन बोर्ड जल्लाद नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अब इस युद्ध की मैं थोड़ी सी तस्वीर पर नजर डालना चाहता हूं। दरअसल ये युद्ध जो है वो हुआ ही नहीं था। मैं आपको इसकी सच्चाई बता देता हूं, जब सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करने की कोशिश की तो स्वाभाविक सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य से मार खाएंगे, और यहां पर भी वही समस्या हुई। मेगस्थनीज ने खुला लिखा है अपनी इंडिका के 127वें अध्याय के अंदर, यह लिखा है इंडिका के अंदर, हालांकि इंडिका तो अभी मौजूद नहीं है, इंडिका को पुनर्संकलन किया गया था। इंडिका के अंदर मेगस्थनीज लिखता है कि जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की हाथी सेना यूनानियों से भिड़ने के लिए, यानी सेल्यूकस की सेना से भिड़ने के लिए आई, तो यूनानी उन हाथियों को देखकर डरकर भाग ही गए थे। अब बताइए मुझे, क्या मैंने कुछ गलत कहा था उससे पहले? उस समय हाथी एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, और हाथी यूनानी यानी पश्चिमी एशिया के निवासी हाथियों के बारे में जानकारी नहीं रखते थे। इसलिए तो समस्या है कि हाथियों से युद्ध में कोई एक्सपीरियंस नहीं था यूनानी सैनिकों को। ठीक है, देखिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, आपको शायद यह भी पता होगा, थोड़ा बहुत बता देता हूं। 100 हाथी दहेज में दिए, सॉरी 100 हाथी सेल्यूकस को दिए थे। देखिए इस युद्ध का वर्णन धनानंद को मारा था, वो वर्णन है एक पुस्तक जो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य का ओरिजिनल नाम है विष्णुगुप्त, जिन्हें कूटनीति के कारण कौटिल्य भी कहा जाता है। ओरिजिनल नाम है आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें प्रखर बुद्धि के कारण चाणक्य कहा जाता है और कूटनीति के कारण कौटिल्य कहा जाता है। उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इस बात का जिक्र है कि मगध सम्राट धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने भाड़े की सेना की सहायता से, युद्धोपजीवी जाति की सहायता से मारा था 323 ईसा पूर्व। इसके अलावा हमारे इतिहास के पास में कोई प्रमाण नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से युद्ध लड़े और क्या क्या लड़े थे। वैसे इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह मूलतः राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, राजनीति की पुस्तक है, नाम उसका अर्थशास्त्र है, इसमें राजनीति से संबंधित सारी बातें हैं। ठीक है, बाकी आपके कोई एग्जाम में मैटर नहीं करेगा। लास्ट लाइनें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता देता हूं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में भीषण अकाल पड़ा हुआ था और अकाल से जनता काफी मर रही थी, जैसे आज कोरोना की बीमारी में जनता परेशान है। तो एक सम्राट का दायित्व तो होता है कि वह जनता का पालन करें, उनको बचाएं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बचा पा रहे थे, इसलिए उन्होंने राजपाट त्याग दिए और अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी सौंप दी और स्वयं दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में कर्नाटका के अंदर एक जगह है श्री श्रवण बेलगोला, श्री श्रवण बेलगोला, श्री श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है, वहां पर जैन मुनि भद्रबाहु की शरण में जाकर उन्होंने संलेखना किया। संलेखना जिसे हम संथारा भी कहते हैं, जिसे हम इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं, अन्न जल त्याग करके बैठ जाना मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु तक। यानी इससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में संलेखना किया था या संथारा किया था। श्री श्रवण बेलगोला जैनियों ने काफी सुनी होगी, दिगंबर जैन, जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और यहां पर जो जैन धर्म के पहले तीर्थांकर हैं जिनका नाम है आदिनाथ ऋषभदेव जी, और ऋषभदेव जी के बाद में दूसरे तीर्थांकर हैं अजीतनाथ जी, और अजीतनाथ जी के छोटे पुत्र थे, सेकंड वाले पुत्र जिनका नाम था बाहुबली, उन बाहुबली भगवान की यहाँ 52 फिट की एक प्रतिमा है, जहाँ हर 12 वर्ष में शायद महामस्तकाभिषेक, दुग्धाभिषेक दूध से होता है। खैर फिलहाल के लिए चंद्रगुप्त मौर्य में इतना ही, इससे ज्यादा आपको डिटेलिंग नहीं पूछी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मौर्य सम्राट, जिनका नाम है
सम्राट बिंदुसार। बिंदुसार का मैटर आपके एग्जाम में कोई सार नहीं करेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, बिंदुसार का नाम बिंदुसार इसलिए है क्योंकि वो जहर की बूंदों से बने हैं। देखिए उस समय चाणक्य, आपको भी पता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में कोई कहा जाए तो अब तक चाणक्य हुए हैं। तो चाणक्य काफी बुद्धिमान थे, उन्होंने एक सेना तैयार की थी जो रूपाजीवा स्त्रियों की थी, जो रूपाजीवा स्त्रियां जो उस समय विष कन्याएं कहलाती थी, जो बचपन से ही विष लेती रहती थी और इतनी जहरीली हो जाती थी। उन रूप विषकन्याओं से सम्राट को काफी खतरा होता था क्योंकि सम्राट को वो अपने आगोश में ले लेती थी और उन्हें मार देती थी। इसलिए चाणक्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य की पटरानी दुर्धरा को ही जहर की बूंदे थोड़ी थोड़ी करके दिया करते थे और उन जहर की बूंदों की वजह से उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा था जिसका नाम था बिंदुसार, जो स्वयं काफी जहरीला हो चुका था, उन्हें अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात, यूनानियों ने इन्हें एमिट्रोक्रेटस कहा है, यूनानी लेखकों ने एमिट्रोक्रेटस कहा है और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कहा है सेंट्रोकोटस या एंड्रोकोटस यूनानी लैंग्वेज में। अमित्र घात यानी दुश्मनों का नाशक। इनके साम्राज्य में कोई विशेष हलचल नहीं हुई, इन्होंने जो साम्राज्य जो मिला था उसी को इन्होंने मेंटेन बनाए रखा और कोई विशेष राजनीतिक घटनाक्रम नहीं हुआ और आपके एग्जाम में भी कोई विशेष घटनाक्रम आपसे पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, इनके समय में एक दूत आया था जो कि एंटियोकस का दूत था। एंटियोकस याद है, कुछ देर पहले मैंने बताया था सेल्यूकस के दो सेनापति थे, एंटियोकस और सेल्यूकस, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। एंटियोकस का एक दूत था जिसका नाम था डायमेकस। ध्यान दीजिए, सबको पहला दूत याद रहता है मेगस्थनीज, एग्जामिनेशन बोर्ड बड़ा चालाक होता है, उसको भी पता है कि सबसे पहला दूत सबको याद है। क्या पता वो पूछ लें कि मौर्य साम्राज्य के अंदर सबसे दूसरा दूत कौन सा आया था, तो उसका आंसर होगा डायमेकस। तो कहीं ना कहीं यहीं पर मेरिट बनती या बिगड़ती है, यहीं पर सफलता और असफलता में फर्क आ जाता है। सब रट्टा मार के आएंगे, गाइड्स बुक पढ़ के आएंगे, पूरा खा के आएंगे इंडिका, लेकिन आप सब पढ़ के आएंगे मेगस्थनीज, लेकिन आप डायमेकस, ध्यान रखना। दूसरा दूत है जो बिंदुसार के समय हिंदुस्तान आया था, सम्राट के लिए सूखी अंजीरें और अंगूर की शराब लेकर आया था। इन्होंने भी अपना एक दूत भेजा था वहां पर मिस्र में, हालांकि चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक वर्धन की, एक ऐसे टॉपिक की जो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, आ चुका है। यानी मान के चलिए उस टॉपिक को पढ़ना मतलब अपना एक प्रश्न लॉक करवाना है हमेशा के लिए। अशोक वर्धन को, सम्राट अशोक को इग्नोर नहीं कर सकते, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक सवाल तय है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद, बाय, थैंक यू।